तो कैसे हैं भाई लोग? सब ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुन्नूर। और अभी हम हैं कुन्नूर रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कुन्नूर का रेलवे स्टेशन है, और मैं हूँ राजीव आर्या। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो भाई साहब, आज की जो जर्नी होने वाली है बहुत स्पेशल होने वाली है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और ये प्लेस जो है ना वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहीं से शुरुआत किया था ना घूमने का, तो वो यहीं से किया था, कुन्नूर से। और फर्स्ट टाइम जब कुन्नूर आया था, आई थिंक 2017 में, गर्मी का टाइम था, तो उस टाइम मुझे इतना अच्छा फील हुआ था कि क्या कहें। मतलब थोड़ा सा इमोशनली अटैच है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार मेरा तीसरा बार है जो कि मैं आपके लिए आया हूँ, और खुद के लिए भी आया हूँ कि भाई बहुत, मतलब दिनों से मेरा मन था कि एक बार फिर से जाऊं और कुन्नूर से लेके ऊटी तक आपको ट्रेन जर्नी दिखाऊं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल नीलगिरी माउंटेन में चलती है बहुत ही स्पेशल ट्रेन। तो काफ़ी टाइम बिताया है मैंने, फर्स्ट टाइम 1 मंथ, एंड मेरा बड़े भैया जो हैं वो यहाँ पे काम करते थे, तो उनकी पोस्टिंग थी, तो वो ऑफिस जाते थे, और मैं पूरे दिन क्या करता था, पूरे कुन्नूर का चक्कर लगा था। और बहुत, मतलब वो चर्च दिख रहा आपको, आई थिंक, मुझे लग रहा नहीं दिख रहा होगा, बट उसके जस्ट पीछे था और पूरा सिटी दिखता था, ऐसा भी होता। तो ये सब यादें कभी भूलने वाली नहीं है। तो आज हम आपको जिस ट्रेन का जर्नी दिखाने वाले हैं, उस ट्रेन का कोड है 06141, और ये 7:45 पे कुन्नूर से निकलती है, और 1 घंटा 15 मिनट लगभग टाइम लेती है ऊटी पहुँचने के लिए, यानी कि उदगम मंडलम। बाकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 20 किलोमीटर, और मज़ा तो बहुत आने वाला है इस जर्नी में। अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, अच्छा लगे तो। बाकी अंत तक ज़रूर बने, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार व्यू आने वाला है, बहुत सारे सीन्स, व्यू, टनल, ये सब दिखने वाले हैं। तो अभी कुछ बज रहे हैं 7 सुबह के, और सनराइज़ होने वाला है। ये रहा आपको कुन्नूर रेलवे स्टेशन, और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही पुराना है, और इसे जो बनाया गया था 1897 में बनाया गया था। ये रहा टिकट काउंटर, और यहीं से टिकट कटेगी। बाकी ये वेटिंग हॉल है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये आपका प्यारा सा नीलगिरी माउंटेन पे चलने वाली ट्रेन है। और पता है आपको नीलगिरी माउंटेन क्यों रखा गया? नील का मतलब होता है ब्लू, ब्लू पहाड़। ये पूरा ब्लू ब्लू दिखने वाला पहाड़ है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा फूल होता है, फ्लावर, जो कि बहुत ही, मतलब नीला नीला दिखता है। मैं नाम एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन आप गूगल पर सर्च कर ले। बाकी ये कुन्नूर का रेलवे स्टेशन है, और ये डीजल लोकोमोटिव है। मेट्टुपलायम से कुन्नूर तक जो चलती है वो स्टीम इंजन चलती है एक्चुअली, और यहाँ से जो चलती है ऊटी के लिए वो आपको चलती है, पीछे जो आपको दिख रहा है डीजल लोकोमोटिव, वही चलती है। इस चर्च के जस्ट पीछे रूम था, बहुत ही प्यारा रूम था, बहुत सारे मूवी में भी दिखाया गया है, आपने देखा भी होगा। बाकी ये जो है वो फर्स्ट क्लास है, जिसका फेयर आपको 350 रुपये पे करना होगा। सेकेंड सीटिंग का जो है वो 150 रुपये है, जिसका लुक कुछ ऐसा है। सेकेंड सीटिंग मतलब जनरल होता है। ठंड काफ़ी लग रही है भाई सुबह सुबह। और ये रहा आपका सेकंड सीटिंग, जो कि इधर इंड है, इधर दरवाज़ा, और इधर इंड है। टॉयलेट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है किसी में भी नहीं। एक्चुअली छोटी जर्नी है, तो उतना, मतलब बहुत पुराना ट्रेन है, उसी को रन किया जा रहा है, तो उतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बट करना चाहिए, क्योंकि फीमेल के लिए ज़रूरी है। बाकी फर्स्ट क्लास में भी आपको नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट क्लास में भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखिए, उदगम मंडलम, कुन्नूर, मेट्टुपलायम, लेकिन एक्चुअली ये मेट्टुपलायम जाती नहीं है, ये कोच बहुत ही ज़्यादा पुराना है और सेकेंड क्लास है। ये देखिए, स्टीम इंजन को एक्चुअली वहाँ ले गया गया है, पहले इस साइड था, यहीं पर था वो, मुझे आज भी याद है, मेरे पास फोटोज़ भी है। तो भाई साहब, उदगम मंडलम का टिकट मिल चुका है, 80 रुपये पर है, और ये जनरल है। जनरल और ये नॉर्मली बोले तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता,
रिजर्व करके आइएगा, तभी वही 150 रुपये लगेंगे, लेकिन जनरल आपको मिल जाएगा। बाकी टिकट काउंटर 7:30 बजे खुलता है, 7:45 में। और साउथर्न रेलवे ऑपरेट करती है, सलेम डिवीज़न में आती है। पूरा टाइमिंग जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है, देख ले आप। तो मैंने भाई सबसे फर्स्ट वाली सीट बुक कर ली है, और भाई मुझे तो वीडियो लेना है, तो उसे डाउन करूँगा और फिर लूँगा, मज़ा आने वाला है काफ़ी। इंजन स्टार्ट कर दिया गया है, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिवर्स चलते हुए पूरा जर्नी कंप्लीट करेगी ये ट्रेन, नहीं देखा होगा, आज दिखाएंगे हम आपको। तो ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है भाई, भाई भाई क्या ही मज़ा आ रहा है ना, क्या ही बताएं। ये बगल से रोड जाती है, ऊटी और कोयम्बटूर के बीच वाली रोड है। और इसमें क्या खूबी है ना, हर बोगी में 3-4-5 बोगी है, हर बोगी में एक गार्ड समझ लो या टीटी समझ लो रहते हैं, और हरी झंडी देते रहते हैं, और उन्हीं लोगों के पास एक्चुअली में कंट्रोल रहता है ब्रेक व्रेक सब चीज़ का, एवरीथिंग। बस वहाँ से प्रेशर इंजन से मिलता है। बस ये जो आप सेकंड लाइन देख रहे हैं ना नीचे वाली, यही आती है मेट्टुपलायम से कुन्नूर के बीच। तो अब फाइनली हमारी ट्रेन जो है डिपार्चर कर चुकी है कुन्नूर से। देखो एक पे लगी थी और एक से अब जा रही है। बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। ये इंजन इतनी साउंड करेगी ना, क्या ही बताए भाई। फिर भी चलो कोई नहीं, कोच में एक्चुअली कोई नहीं है, अकेला इकलौता इंसान हो जो कोच में बैठा हो। बहुत मस्त वाली फील आ रही है भाई, बहुत मस्त वाली। और जान रहे हैं, ओए होए हमारी नीलगिरी। और एक चीज क्या है कि मतलब सुबह सुबह के ट्रेन में क्या होता है ना कि बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत कम, तो पूरा खाली सा मिलेगा आपको और बहुत ही मजा आएगा, देख रहे हैं। ओए होए हमारी ट्रेन अभी फिलहाल पहुंची है वेलिंगटन, और वेलिंगटन पता है आपको कहाँ है, ये इंडिया वाला वेलिंगटन है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे आर्मी के बेस हैं यहीं पे हैं, और देखो व्यू, देखो व्यू, ओए होए कितना प्यारा है यार। और ये रहा पहला स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का। पहला ट्रेन में आने से ना यही फ़ायदा है कि आप एकदम, मतलब देख रहे कितना प्यारा सा है, एकदम मतलब मस्त जाओगे बिना भीड़ भाड़ के। कोई ना है तो हरा सिग्नल सभी ने, देखो सभी ने हरा झंडी दे दिया और फिर तुरंत खुल गया। और इसकी जो हाइट है, वेलिंगटन की जो हाइट है 5,804 फीट ऊपर है समुद्र तल की ऊंचाई से। ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक चीज सब देखने को मिलने वाले हैं भाई। नीचे से बस जा रही है, ये ऊटी कोयम्बतूर वाली है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है मेरा फेस पूरा ठंडा होते जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। गाड़ी तेज नहीं चल रही है, बिल्कुल भी तेज नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। पता है आपने कभी देखा है मतलब बिना इंजन का ट्रेन चलते हुए?
बहुत ही स्पेशल ट्रेन है भैया, बहुत ही स्पेशल। तो आ गई है हमारी दूसरी स्टॉपेज और इसका नाम है अरवंकाडू। देख रहे हो कितनी धीरे धीरे चल रही है कि क्या ही होता है। और एक पैसेंजर यहाँ से बोर्ड करेगा भाई, और अरवंकाडू से भी डिपार्चर हो चुकी है। और अभी हम पहुँच गए हैं 6000 फीट पे, देख रहे हो 3:64:32:02 है। इस 20 किलोमीटर के दूरी में आप बहुत कुछ देखेंगे। सो आपको अभी नज़र आ ही गया होगा ना कि क्या क्या देख रहा है, कितना अच्छा व्यू है। और सच बताए ना तो अगर आप ये टॉय ट्रेन का जर्नी ना किए क्या ही किए फिर। तो एक बार आइए, अगर ऊटी आते हैं तो एक बार आपको आना तो बनता है इस टॉय ट्रेन से। बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करा के चले जाते हैं, लेकिन आप जर्नी कीजिए, इंजॉय कीजिए। राज मूवी की जो शूटिंग की गई है इसी लोकेशन पे की गई है, और यही वो लोकेशन है, देख रहे हैं ऊपर वाला, इसी पे वो भूत वाला जो है ना सीन इमरान हाशमी का, इसी पे किया गया है। खाली ही खाली, पूरा कोई नहीं है भाई, पूरा राज कर रहा है अब तो भाई, मतलब इस अकेला होकी में अकेला इंसान। देख रहे हो कितना मस्त सा व्यू आता है, हर एक एंगल में आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई है चीज तो है भाई। ये वो लोकेशन है राजवाला जो बता रहे थे ना, वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा लोकेशन यूज किया गया था, ये देख रहे हैं। और इसी पे वो भागती है, उसके बाद शाहरुख खान का चल छैया छैया वाला जो लोकेशन था वो भी दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि कहाँ हुआ था। बाकी व्यू तो जबरदस्त है, जबरदस्त देख रहे हो। और कुछ जंगल, कुछ शहर, कुछ पहाड़, सब कुछ आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा था। ये देखो व्यू देखो आप, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर ही पहुँचते जा रही है। सच में एक बात बताना चाहते हैं कि जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते थे ना वो चीज़ सच में दिखा रहे हैं। हम यही सोच रहे थे कि कैसे भीड़ होगा तो कैसे दिखा पाएंगे, मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, हर तरह के एंगल नहीं ले पाते, एक ही तरह का कहीं से भी लेना पड़ता, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करके अच्छा नहीं लगता लेना फिर, तो इसीलिए सोच रहे थे। लेकिन भगवान जो है ना हमेशा साथ देते हैं, हमेशा, और भगवान करे हमेशा सबका भगवान साथ दे, ये चीज़ है। बाकी आने का कोई प्लान नहीं था, जो होता अच्छा के लिए होता है, मानते हैं इस बात को। तो भाई साहब पहुंच गए हैं केती, कि इसका कोड जो है ना वो KXT है। और एक चीज़ और आप जान लें कि अगर एक बार आप ट्रेन में बैठ जाते हैं ना तो फिर उतर नहीं सकते। ये लोकेशन जो है गोलमाल जो आई है लास्ट वाली 4, उसमें यूज़ किया जाता है ये स्टेशन को। और बाकी जो घर वर दिखाया जाता है इस साइड का हम आपको दिखाते हैं, तो ये तो मतलब थोड़ा फेक होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, देख लो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर प्लेटफॉर्म है और काफ़ी लोग बैठ रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं। और ये लोकेशन जो था गोलमाल में यूज़ हुआ था, स्टेशन प्रॉपर यूज़ हुआ है। तो डिपार्चर हो चुकी है, देखिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। केती, तो कैसा लगा था जनता लोग कमेंटवा में जरूर बताइएगा। बाकी व्यू देखते रहिए और व्यू बदलता रहेगा। ये देखिए ये देखो लाइट बंद खुल चुकी है, अब टनल आएगा, बहुत मजा आता है चिल्लाने में। ये देखो भैया आ गया टनल, ये छोटा सा एक्चुअली।
इसके बाद वाला बड़ा सा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चर्च, वो देखो ये दिख रहा है ना, यही वो चर्च है जो साजन मूवी में यूज किया गया था। बाकी सब व्यू जो देखो ना कि क्या ही मस्त है। उधर टी बगान स्टार्ट हो चुका है, नीचे कितना सा नीचा है, मतलब देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा सा घर है। ये सब देखने में जो मज़ा आता है ना, और ट्रेन भी इतनी प्यारी रफ्तार में चल रही है कि क्या ही होता है। ओए ओए, तो आने वाला है ये देखिए, पहले कितने लोग गाड़ी लगा लगा के यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। ये देखो 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 देखो, चैन है बेचैन। अब आने वाला है लाउडेल, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। जो व्यू है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। और ये देखो यहाँ पे दो पटरियाँ हैं, ये देखो इधर का व्यू देख लिए, ये देखो लाउडेल। भारत में 5 चलती है टॉय ट्रेन, या बोल लो कि इस टाइप की ट्रेन। तो मैंने सोचा है कि सारा कवर करूँगा, शुरुआत यहीं से करें और शुरुआत यहीं से किए हैं। तो अब शिमला वाला भी करेंगे, शिमला वाला करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि सीट अवेलेबल बहुत कम मिलता है इस सब चीज़ों पे। आप इसमें भी करना चाहते हैं ना तो भाई सुबह वाले में आइए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो वरना नहीं मिलने वाला। जल छइयां छइयां शूट जो हुआ था इसी पॉइंट पे लिया गया था, सेकंड टनल के बाद। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, यहीं पे से ऊपर वाले से ऊपर वाले रोड से लिया गया था, यहाँ से देखो ये। लो भैया अब टी गार्डन भी स्टार्ट हो गया है। टी ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे टी गार्डन है, और टी एस्टेट बोल लीजिए या टी गार्डन बोल लीजिए, सब एक ही है। ऊटी में भी बहुत मात्रा में, जैसे मुन्नार में होता है ना, तो मोस्टली हिल स्टेशन पे टी गार्डन होता ही है। माउंटेन में जब होती है तो बहुत ही प्यारा दिखती है भाई, बहुत ही ज़्यादा। देख लो अब गाड़ी ढुलक रही है, ढोल 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 ढोल, बस अब पहुँचेंगे ही ऊटी। एक और शायद टनल हमें देखने को मिल सके, और ये लंबा वाला है, बहुत लंबा है। या शायद सामने वही है। चलो अच्छा है, ये देखो कोई है क्या, बहुत लंबा है भाई। तो ये जो आपको लेक दिख रहा है ना, ये है आपको ऊटी लेक। बाकी ऊटी पहुंच गए हैं, ये देखो। तो वेलकम टू ऊटी, और पिन है 64301, सॉरी। देख लो कितना आदमी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कितनी सारी भीड़ है लोगों के लिए, और बहुत लोग हैं। वहाँ फ्यूल हो रहा है, डीजल फ्यूल किया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहले नहीं था, अब है आई लव ऊटी। और हाँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और एक चीज़ और कि कोई भी इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बहुत जल्द रिप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा सारा इन्फॉर्मेशन। बाकी जो है ऊटी आपको घूमना है उसके बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, यहाँ के लोगों से ज़्यादा नहीं है, बट जितना है ना उतना मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, दुआओं में याद रखिएगा।